तमिलनाडु में स्थित राजनीतिक दल मरूम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी MDMK सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK की सहयोगी पार्टी है। MDMK के महासचिव वाइको ने 3 अप्रैल को कच्चा तीवु द्वीप के विवाद पर मीडिया से बात की थी। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद इस द्वीप को 1974 में भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन सरकार पर द्वीपों को श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो इस बहस को आगामी चुनाव के चलते वोट हासिल करने के लिए छेड़ रही है। इसी बीच वाइको की ये क्लिप ट्वीट करते हुए न्यूज एजेंसी ANI ने लिखा कि कांग्रेस ने उस समय हर मोर्चे पर तमिलनाडु को धोखा दिया था। कांग्रेस बिटेड तमिलनाडु इन एवरी फ्रंट एट दैट टाइम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ANI का ट्वीट को ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया। देखते ही देखते कई मीडिया आउटलेट्स ने वाइको के हवाले से ये बयान अपने आर्टिकल में चलाया। इस लिस्ट में हिंदुस्तान टाइम्स, CNN न्यूज 18 और न्यूज 9 शामिल है। भाजपा से जुड़े यूजर्स और कई वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी यही दावा आगे बढ़ाया। इस कथित वीडियो और इसके साथ वाइको के हवाले से किए जा रहे बयान के बारे में जांच करते हुए हमें सन न्यूज का ये वीडियो मिला। कांग्रेस बिटेड तमिलनाडु इन एवरी फ्रंट एट दैट टाइम। आफ्टर दैट दीस 10 इयर्स इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर नरेंद्र मोदी। ही इज अ ट्रेटर। ही बिटेड तमिलनाडु, ही बिटेड इंडिया, ही बिटेड श्रीलंका। दिस इज नरेंद्र मोदी। यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि ANI ने वाइको का जो बयान चलाया है वो सिर्फ अधूरा हिस्सा है। अपने पूरे बयान में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मीडिया और भाजपा नेताओं ने क्लिप वीडियो शेयर कर वाइको के बयान का अधूरा संदर्भ शेयर किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वाइको के बयान वाला वो हिस्सा शेयर किया जिसमें वो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे। ये भी अधूरी जानकारी शेयर करने का ही एक उदाहरण है, क्योंकि वाइको ने बयान देते हुए कांग्रेस की भी आलोचना की थी।